बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर को बेसिकली थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन एनालॉग कंप्यूटर्स, नंबर टू डिजिटल कंप्यूटर्स एंड नंबर थ्री हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स पे और देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं ये बेसिकली वर्कआउट करते हैं सिग्नल्स पे। कंटिन्यूस सिग्नल्स इनको मिल रहे होते हैं, वो कंटिन्यूस सिग्नल्स को लेता है एज इनपुट और साइमल्टेनियसली फिर रिज़ल्ट जो है डिस्प्ले करता है एज आउटपुट। और इनमें कोई इन बिटवीन वैल्यू हो सकती है, जैसे डिजिटल कंप्यूटर्स में या तो ज़ीरो होगी वैल्यू कोई या वन होगी, लेकिन एनालॉग कंप्यूटर्स में ज़ीरो और वन के इन बिटवीन भी कोई वैल्यू हो सकती है। ओके, तो अब टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वहाँ से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट एंड प्रोसेस डाटा बाय मेजरिंग क्वांटिटीज सच एज वोल्टेज एंड करंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एनालॉग कंप्यूटर्स किस तरह वर्कआउट करते हैं, डाटा को कैसे प्रोसेस करते हैं, क्वांटिटीज़ को मेजर करके, लाइक वोल्टेज हो गया करंट हो गया, इनको मेजर करके तो डाटा को प्रोसेस करते हैं। दे वर्क ऑन सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस सिग्नल्स एज इनपुट एंड डिस्प्ले आउटपुट साइमल्टेनियसली। क्या करते हैं कि कंटिन्यूस सिग्नल्स को इनपुट मिलती रहती है, उनको सिग्नल्स की इनपुट मिलती रहती है कंटिन्यूसली, और फिर वो साइमल्टेनियसली कोई आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स आर स्पेशल पर्पस डिवाइसेस, इनको किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, नॉर्मली ये जनरल पर्पस नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर्स आर स्पेशल पर्पस डिवाइसेस डिजाइन टू परफॉर्म सिंगल स्पेसिफिक टास्क। मोस्टली दीज डिवाइसेस आर यूज इन इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस। कहाँ पर यूज़ होते हैं ये, इंजीनियरिंग फील्ड में और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, लाइक मेडिकल वगैरह हो गया। द एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स इज़ लो बट दे आर फास्टर इन स्पीड एज कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर्स। एक्यूरेट इतने नहीं होते, लेकिन क्या होता है कि डिजिटल कंप्यूटर्स से इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, दे मेनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज रजिस्टर्स कैपेसिटर्स ट्रांजिस्टर्स एक्सेट्रा। मोस्टली किससे मिलकर बनते हैं, रजिस्टर्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स वगैरह, इन चीज़ों से मिलकर ये बनते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं दैट इज़ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स, डिजिटल बेसिकली निकला है डिजिट से, तो डिजिट आपको पता है क्या पता है कि क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क विद डिजिट्स, क्या करते हैं, डिजिट्स पे वर्कआउट करते हैं ये। वो डिजिट्स क्या हो सकते हैं, वो कोई भी बाइनरी डिजिट्स हो सकते हैं, ज़ीरो या वन की फॉर्म में, या तो वो ज़ीरो होगा या वन होगा। एवरीथिंग इन डिजिटल कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी डिजिट्स ज़ीरोज एंड वंस। ठीक है, कंप्यूटर बेसिकली किस पे वर्कआउट करता है, बाइनरी डिजिट्स पे, यानी वो ज़ीरो और वन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, कोई दूसरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता डायरेक्टली। इट मैनिपुलेट्स देम एट वेरी फास्ट स्पीड। अब जो इसको कोई भी डाटा मिलता है इनपुट की फॉर्म में, तो वो उसको पहले कन्वर्ट करता है ज़ीरो वन की फॉर्म में, फिर उसको वो अंडरस्टैंड करता है और उसके अगेंस्ट फिर कोई आउटपुट देता है। डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर फेड इन टू द डिजिटल कंप्यूटर थ्रू एन इनपुट डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज एंड वंस। वही बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी इनपुट आती है किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू, वो ज़ीरो और वन की फॉर्म में आती है। द कंप्यूटर्स परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अब उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोग्राम के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो उसको प्रोसेस करता है और फिर कोई आउटपुट देता है। द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशंस आर डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर, और आउटपुट में आपको कोई रिजल्ट शो करवाता है। डिजिटल कंप्यूटर्स कैन स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट हाई स्पीड। किसी भी डाटा को हाई स्पीड के साथ ये
क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, सेव कर सकता है या कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकता है. द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर्स आर रिलायबल एंड एक्यूरेट. एक्यूरेसी इनकी एनालॉग कंप्यूटर से ज़्यादा होती है और रिलायबल होती है. डिजिटल कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स यूज इन वेरियस फील्ड्स. आप इसको डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ करते हैं. अच्छा, ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर हो गया. अब हम आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर पे. हाइब्रिड बेसिकली क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर द कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स. एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर जो बनता है वो कंप्यूटर कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स. यानी उसमें एनालॉग की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और डिजिटल कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, दोनों का कॉम्बो होता है. दे कम्बाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स. दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स कम्बाइन होती हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स के अंदर. हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर मेनली यूज फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशंस. आप ज़्यादातर इसको किसके लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं. यहाँ पर डायग्राम में आपको एक हाइब्रिड कंप्यूटर भी नज़र आ रहा है. हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर मेनली यूज फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशंस. दीज कंप्यूटर्स आर यूज इन स्पेसशिप, मिसाइल सिस्टम्स, साइंटिफिक रिसर्च, हॉस्पिटल्स एंड कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, स्पेसशिप में यूज़ होता है, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में और हॉस्पिटल वगैरह में. अ हाइब्रिड कंप्यूटर नॉन एज वाइटल साइंस मॉनिटरिंग यूनिट इज शोन. ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इट इज़ यूज इन हॉस्पिटल्स टू मॉनिटर पेशेंट्स इंपॉर्टेंट डाटा सच एज ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट. आपने हॉस्पिटल्स में देखे होंगे कि डिफरेंट स्क्रीन्स लगी होती हैं वार्ड्स के अंदर, जो जिन पे एट अ टाइम डिस्प्ले हो रहा होता है पेशेंट का टेम्परेचर भी, सॉरी ब्लड प्रेशर भी शो हो रहा होता है, हार्ट बीट शो हो रही होती है. तो ये बेसिकली ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों की प्रॉपर्टीज इनमें होती हैं. हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त है. अल्लाह हाफिज़.